नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार सुधांशु और आप सभी का नमस्कार। अब देखो गुरु, चाहे मच्छर हो या फिर मक्खी हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग वाले, ना चाहते हुए भी आपकी कान और गांड दोनों के पास हमेशा मंडराते रहते हैं। मच्छर और मक्खियों को तो फिर भी तुम एक बार ऑल आउट या फिर कछुआ छाप या फिर मोर्टिन से मार भी सकते हो, लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग वाले भोंदरे के प्लास्टिक के वो कीड़े होते हैं जो अमर रहते हैं। इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये अगर एक मरते तो दूसरे पैदा हो जाते, दूसरे मरते तो तीसरे पैदा हो जाते हैं। अमरता का वरदान प्राप्त है इनको ना। और मैं आपको बता रहा हूँ, ताजमहल से भी 10 गुना सुंदर होते हैं इनके वो मैसेज जिनमें ये लिख के भेजते हैं कि दिन का 5 से 10 हज़ार कमाए, वो भी डेली। और मैं बता रहा हूँ, इनके जो मैसेज होते हैं उनमें हचक के स्पेलिंग मिस्टेक रहते हैं, मतलब ग्रामर कहते हैं पूरी की पूरी गांड मार देते हैं। लेकिन फिर भी इनको भरोसा रहता है कि कोई ना कोई चूतिया जरूर होगा जो इनके झांसे में आएगा और इनके पास आएगा। और कुछ होते हैं चूतिया जो इनके पास चले जाते हैं। और इनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको गांड के नीचे गांड, गांड के नीचे गांड, गांड के नीचे गांड जोड़ती जाने और आपको गांडू बनते जाने। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा सपने दिखाते हैं कि तुम 3 महीना बस काम लो, 3 महीना तुम बस काम करो और मैं बता रहा हूँ तुम करोड़पति बन जाओगे, तुम BMW में घूमोगे। अब वो चाहे खुद ही ऑटो में घूम रहे, लेकिन आपको ये सपना दिखाते हैं कि 3 महीने में आपके पास BMW होंगे। और करोड़पति वो भी छोटे मोटे नहीं, तुम्हारा जो ब्रेकफास्ट जो है वो तुम्हारा अंबानी के साथ, लंच जो है वो तुम्हारा बिल गेट्स के साथ, और डिनर जो है तुम्हारा एलन मस्क के साथ होगा। ऐसे ऐसे ये सपने दिखा देते हैं कि तुम ही इनके झांसे में आ जाते हो और चूतियापे में एकदम तुम गिरते जाते हो। और सबसे बड़े चूतिए तो हमारे वो दोस्त होते हैं जो आपको बिना बताए इस झांसे में डाल देते और स्काई में ढकेल देते हैं, क्योंकि जो भरोसे वाले होते हैं वही भोंदरे वाले होते हैं। इनका सपना इस तरीके का रहता है कि इनको खुद तो 200 रुपये नहीं मिलते, लेकिन ये आपको गारंटी देते हैं कि देखो गुरु, हम तुमको 5,000 से 10,000 डेली दिलवाएंगे। और तुम भी इनके झांसे में आकर उसमें जुड़ जाते हो और फिर गांड के नीचे गांड लगाते रहते हो और तुम भी गांडू बनते रहते हो। ना चाहते हुए भी तुम इन चूतियों के जो झांसे में आ जाते हो तो इनसे बच के रहना है गुरु। लेकिन एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि बेशर्मी का अगर कोई पद्मभूषण या फिर पद्मश्री मिलता है तो इन जैसे चूतियों को दे देना चाहिए, क्योंकि ये पहले ऐसे बकचोद होते हैं जो आपको मोबाइल से वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताते हैं और आप करने भी लगते हैं, पता नहीं क्यों। क्या जिंदगी झंडे फिर भी घमंडे, हमें क्या, हम इन डिजिटल मार्केटिंग वालों से हमेशा दूर रहते हैं, क्योंकि इनके और मच्छर में कोई फर्क नहीं रहता। ये अगर काटेंगे तो आपको दर्द देगा, लेकिन ये जब आपको काटेंगे तो आपकी गांड फट जाएगी। ऐसे फटी हुई तो सबकी रहती है, बोलने की बात रहती है, बुझे। खैर, इनसे दूर रहो। जनहित में जारी फ्रॉम सुधांशु संस्कारी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कीजिए ना।